नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी और आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 109वां एपिसोड। आज है 5 नवंबर 2020 और रोज की तरह आज भी आईपीएल 2020 को लेकर कुल 10 बड़ी खबरें निकल कर आई है। दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट विराट और सूर्यकुमार यादव के बीच जो लड़ाई हुई थी ना, उससे जुड़ी हुई आ रही है। सारी खबरें बताएंगे, इंटरेस्टिंग वीडियो एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, हमारी टीम ने बहुत मेहनत की इस वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए, तो आप भी हमें एक छोटी सी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप भी आईपीएल के फैन है तो यहाँ कहीं नीचे से लाइक बटन को अभी हिट कीजिए, वीडियो को अभी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी खबर से। तो ये आ रही है भाई एम्पायर्स कॉल से जुड़ी हुई। दोस्तों, शेन वॉर्न जो कि इस समय राजस्थान रॉयल्स के मेंटर भी है, बहुत महान स्पिनर रह चुके हैं, उन्होंने आईपीएल में एम्पायर्स कॉल को हटाने की मांग की है। उनके हिसाब से अगर आईपीएल जैसी लीग में किसी को एलबीडब्ल्यू आउट किया जाता है, अपील की जाती है, एम्पायर मना करता है, किसी टीम का कप्तान फिर रिव्यू लेता है और रिव्यू में अगर वो क्लियर डिसीजन आ रहा है, नॉट आउट या आउट साफ साफ नजर आ रहा है, उसके बावजूद अगर एम्पायर्स कॉल का डिसीजन दिया जाता है तो वॉर्न के हिसाब से ये सही नहीं है। सीधा सीधा डिसीजन आना चाहिए उनके हिसाब से। अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपको सीधा डिसीजन लेना चाहिए, ऑन फील्ड एम्पायर्स के डिसीजन पर कायम नहीं रहना चाहिए। अगले साल शायद आईपीएल में इस पे अमल हो सकता है, वॉर्न गलत नहीं कह रहे हैं जहां तक अभी तक हमने भी देखा समझा उनके बयान को है। बात करते हैं दोस्तों दिन भर की दूसरी बड़ी खबर की। तो ये आ रही है भाई आज के मैच के हवाले से, क्वालिफायर वन आज का मैच होने वाला, इंटरेस्टिंग मजेदार मैच होगा। प्रिडिक्शन आ चुके, भविष्यवाणी आ चुकी, 85% हमारी भविष्यवाणियां सही होती है, आई बटन पर चल रही होगी, जरूर देखिएगा, बहुत मजा आपको आने वाला है। साथ ही दोस्तों, इस मैच के लिए हम टीम भी बनाने वाले हैं, दादा को हराने की स्पेशल प्लानिंग आज हमने की है, 3-4 टीम्स के साथ हम खेलेंगे। वो कैसे खेलेंगे पूरा प्रोसीजर इस वीडियो के दौरान मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपसे एक चीज बोलूंगा कि आखिरी मौका है आपके पास, 3-4 मैचेस बचे हुए हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स फटाफट खोल लीजिए, माई 11 सर्कल ऐप को अभी डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, यहाँ पर अपना पहला पैसा डालेंगे तो इस ऐप की तरफ से 1500 रुपए फ्री में आपको मिल जाएगा, 20% का स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। आखिरी हफ्ता है, 1 करोड़ रुपए किसी एक को जीतने का मौका भी रहेगा। राशिद खान, वॉटसन और दादा खुद यहाँ पर टीम बनाते हैं, पैसे डालना निकालना, प्लेइंग 11 बनाना आपको पता है बहुत आसान है। तो भाई सीधी बात है, देर मत कीजिए, अकाउंट बना लीजिए। कैसे जीतेंगे? टेलीग्राम पर आज 3 टीमें देंगे, आप चाहे तो एक अकाउंट से या आप अपने दोस्तों को भी इनकरेज कर सकते हैं, 2-3 अकाउंट से आप टीम्स लगा सकते हैं दादा के खिलाफ और जीत सकते हैं दुगना अमाउंट। हेड टू हेड भी यहां पर खेल सकते हैं, बहुत सारी लीग्स चलती है, खेल सकते हैं। तो टेलीग्राम पर भी द रियल MCP सर्च कीजिए, हमारा चैनल आ जाएगा, 27,000 फॉलोअर्स है, उसे भी फॉलो कर लीजिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज दिन भर की तीसरी बड़ी खबर की। दोस्तों, आज की तीसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है डेविड वार्नर के हवाले से। डेविड वार्नर का नया रिकॉर्ड सामने आया है, इस आईपीएल में इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है, 6 सीजन में 500 से ज्यादा रन बनाने का किसी भी बल्लेबाज का जो रिकॉर्ड है वो सिर्फ वार्नर के हाथों चला गया है। मतलब वार्नर के अलावा कोई भी ऐसा बल्लेबाज आईपीएल के इतिहास में नहीं है जिन्होंने 6 सीजन्स में 500 से ज्यादा रन्स बनाए हो, जबकि ये इंडियन प्रीमियर लीग है, भारतीय क्रिकेट चलाता है इसे, भारत का कोई भी बल्लेबाज नहीं है इस रिकॉर्ड के आगे। डेफिनेटली ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है। कैसा लगा आपको ये रिकॉर्ड कमेंट में बताइएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दिन भर की चौथी बड़ी खबर की। तो ये आ रही है भाई रोहित शर्मा की फिटनेस के हवाले से। आज मुंबई दिल्ली का मैच है और रोहित की फिटनेस पर एक और सवाल उठ गया है। दिलीप वेंगसरकर ने सवाल उठाए हैं BCCI, IPL और रोहित शर्मा पर। उन्होंने कहा है इस IPL इज मोर इंपॉर्टेंट टू रोहित शर्मा देन प्लेइंग फॉर इंडिया। आप देख पा रहे होंगे, मतलब साफ है कि अंदर खाने में, जैसा कि हम आपसे बोल रहे हैं, ये पता है सबको कि रोहित शर्मा 100% फिट नहीं है, फिर भी वो प्लेऑफ के लिए अपने आप को पुश कर रहे हैं कि वो खेल जाए प्लेऑफ के 2-3 मैचेस, उसके बाद मेन उनकी फिटनेस, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल हमने फिटनेस रिपोर्ट आते हुए भी नहीं देखी। आपने देखा होगा सिर्फ बयान ही आ रहा है, कोई आधिकारिक रिपोर्ट BCCI ने भी नहीं दी और BCCI ने साफ साफ कहा है रोहित शर्मा से, जब तक आप 100% फिट नहीं होते आपको नहीं खिलाया जाएगा। और पिछले मैच में भी हमने देखा रोहित की 100% फिटनेस मैच के दौरान नहीं दिखी थी, ये साफ साफ संकेत दे सकता है कि हो सकता है कि रोहित शर्मा बिना 100% फिटनेस के समय खेल रहे हो। आज खेलेंगे या नहीं वो आपको टेलीग्राम पर पता लग जाएगा, मोस्टली तो खेलेंगे। बात करते हैं दोस्तों दिन भर की पांचवीं बड़ी खबर की। तो ये आ रही है सूर्यकुमार यादव
और विराट कोहली की लड़ाई से जुड़ी हुई। दोस्तों दादा ने बड़ा बयान दे दिया है, सौरव गांगुली ने बड़ा बयान दे दिया है सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली की लड़ाई से जुड़ा हुआ। दरअसल दोस्तों ये दोनों के बीच लड़ाई हुई थी और उसके बाद से ही पूरे इंडियन क्रिकेट में दो खेमे बढ़ गए थे। कुछ लोग बोल रहे थे सूर्य कुमार यादव सही है, कुछ बोल रहे थे विराट सही है। दादा ने कहा है हिज टाइम विल कम, वो समय दूर नहीं जब ये टीम इंडिया में होंगे। दादा विषय प्रेसिडेंट है और अगर वो इस तरह का बयान देते हैं तो साफ है हिंदुस्तान टाइम्स को इन्होंने ये बयान दिया है कि दादा माफ कीजिए सूर्य कुमार यादव हमें बहुत जल्दी टीम इंडिया में दिखने वाले हैं। सो डेफिनेटली बहुत जल्दी, वो समय दूर नहीं कि सूर्य कुमार यादव दिखेंगे। और भाई हम तो चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं ना तो वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट में जरूर बताइए। बात करते हैं दोस्तों दिन भर की छठवीं बड़ी खबर की। तो दोस्तों ये खबर निकल कर आ रही है विराट कोहली के हवाले से। सबसे पहले तो आज विराट साहब का जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे टू द ग्रेट लेजेंड। और आप भी बर्थडे विशेष यहाँ कमेंट में भी दे सकते हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर भी दे सकते हैं। और उन्होंने प्लेऑफ पर भी बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा है विल हैव मोर फन इन प्लेऑफ देन वी हैड इन लास्ट टू मंथ। उन्होंने साफ साफ कहा है कि प्लेऑफ में पिछले दो महीनों से ज्यादा मजा आने वाला है। कितना मजा आएगा कितना नहीं तो समय बताएगा, आरसीबी को कितना मजा आएगा ये भी समय बताएगा। आपके हिसाब से आरसीबी कहां तक पहुंच रही है, क्या जीत रही फाइनल, कमेंट में बताइए। चलिए दोस्तों बात करते हैं दिन भर की सातवीं बड़ी खबर की। तो ये आ रही है भाई मोदी जी के हवाले से, नरेंद्र मोदी के हवाले से। आईपीएल फाइनल में क्या वो आएंगे उससे जुड़ी हुई बड़ी अपडेट है। यूएई के क्वारंटाइन और कोरोना नियमों के कारण ये दौरा रद्द ही मानिए, ये रिपोर्ट यूएई गल्फ न्यूज के हवाले से आई है। पहले भारतीय कौंसुलेट ने ये कोशिश की थी कि किसी भी तरह से एक स्थिति क्रिएट की जाए, लेकिन अब साफ नहीं लग रहा है क्योंकि क्वारंटाइन नियम बहुत अहम हो जाते हैं यूएई में और टेस्टिंग के नियम बहुत अहम है। हर किसी को टेस्ट होता है और किसी देश के प्रधानमंत्री को इस प्रोसीजर से गुजरने की जरूरत नहीं है, ऐसा भारतीय कौंसुलेट को लगता है और इसीलिए वो आ ही नहीं रहे हैं। और हमने देखा भी है कि भारत से उसके अलावा कोई गया नहीं है यूएई। जितने लोग पहले दो महीने पहले गए थे उतने ही हमें मैदान में भी दिखते हैं, उतने ही हमें खेलते हुए भी दिखते हैं। तो साफ है कि नियम इस साल इन्हें नहीं देखने देंगे आईपीएल का फाइनल। चलिए दोस्तों बात करते हैं दिनभर की आठवीं बड़ी खबर की। तो ये आ रही है भाई ऑरेंज कैप की दौड़ से जुड़ी हुई। ऑरेंज कैप की दौड़ में आज धवन के पास मौका होगा केएल राहुल को पीछे करने का। मुंबई दिल्ली का मैच है, लिस्ट आप देख पा रहे होंगे। धवन आज हो सकता है कि बहुत करीब हमें केएल राहुल के पहुंचते हुए देखे। बात करते हैं नौवीं बड़ी अपडेट की, ये आ रही है पर्पल कैप से जुड़ी हुई। बुमराह रबाडा दोनों खेलेंगे, दोनों टॉप टू में चल रहे हैं, दोनों आज का मैच खेलेंगे, दोनों एक दूसरे को टक्कर देंगे। देखते हैं दोस्तों कौन पर्पल कैप ले जाता है, आपके हिसाब से कौन ऑरेंज और पर्पल कैप जीत रहा है कमेंट में बताइएगा। बात करते हैं दिनभर की दसवीं बड़ी खबर की, ये पोलार्ड के हवाले से आ रहा है। पोलार्ड ने एक मैसेज लिखा है जिसमें उन्होंने अपने आप को बैक स्टैब्ड बताया है, मतलब किसी ने उनके साथ धोखा किया है। किसी खिलाड़ी के बारे में उन्होंने कहा है और जेसन होल्डर के बारे में ये कहा जा रहा है कि वेस्टइंडीज क्रिकेट में कप्तानी को लेकर जो लड़ाई चल रही है उसके लेकर उन्होंने ये एक मैसेज किया है। आपके हिसाब से पोलार्ड का इशारा किस तरह था कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों ये तो थी दिन भर की दस बड़ी खबरें जो आज निकल कर आए कमेंट बॉक्स में। आप बताइए आपको कौन सी खबर लगी सबसे बेस्ट, जी टीवी कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया है तो कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।